कोरोना पॉजिटिव दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन के फेफड़े में संक्रमण हो गया है। उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल से साकेत में स्थित मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहां पर उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें यहां पर प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सतेंद्र जैन की सिटी स्कैन रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है। डॉक्टरों की सलाह का पालन किया जा रहा है। वहीं बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना संक्रमण से बीमार पड़े सतेंद्र जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही ठीक हो जाएं। बता दें कि सतेंद्र जैन को ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के लक्षण आने के 3 दिन महत्वपूर्ण होते हैं और उनका ये समय निकल चुका है, इसलिए अब फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर ने बताया कि बुखार अभी भी बना हुआ है। वहीं बता दें कि मंगलवार को सतेंद्र जैन की कोरोना की जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन कोरोना के लक्षण होने के कारण डॉक्टरों ने बुधवार को दोबारा जांच की तो संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।